प्राचीन आदर्श निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें सबसे कमजोर नागरिक बिना किसी कानूनी कार्यवाही के त्वरित न्याय के लिए प्रति आश्वस्त हो सकता है। क्या आज का शासन महात्मा गांधी की राम राज्य की इस परिकल्पना पर खरा उतरता है? मैं ये उनके विवेक पर छोड़ता हूं। सभापति जी, उत्तर भारत खास तौर से हरियाणा में जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, लक्ष्मण जी भी कह रहे थे। इस दो बार राम के उच्चारण का मतलब क्या है? एक राम वो है जो वचन की मर्यादा के लिए महलों को त्याग कर 14 साल वनवास में चले गए थे, और एक राम वो है अयोध्यापति जो न्याय और प्रेम के प्रतीक हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा था, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उन्होंने कहा था, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीर्थ में, न मूरत में, न एकांत निवास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, न मैं जप में, न तप में, न मैं व्रत उपवास में, न मैं क्रियाक्रम में रहता, न ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मेरी पार्टी ने सदैव कहा कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आए उसे सब देशवासी स्वीकारें। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के अनुसार श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसका सह सम्मान है, पर यह भी जान लें कि राम प्रेम है, न्याय है, सहिष्णुता है, सदाचार है, आदर्श हैं। अगर ये सब हैं, पर राम राम नाम और राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। राम नाम को राजनीतिक वोट के लिए इस्तेमाल करना पाप है। राम के नाम पर नफरत फैलाना महापाप है, और राम के नाम पर हिंसा नरक का रास्ता है। इसलिए अब भी अगर आप नहीं बदले तो भगवान राम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जय सिया राम।